हाय एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी जिस गाने पे मैं रिएक्ट करूंगी वो है वॉइड का आखिरी खत, डेथ नोट वॉइड। सो अभी इस ट्रैक को सुनेंगे बिना किसी देरी के, देखते हैं ये गाना कैसा होने वाला है। और ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा सीरियस होगा, तो देखते हैं, सुन के ही पता चलेगा कैसा सीरियस होने वाला है। सो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में मुझे बताना वॉइड के अच्छे अच्छे गाने या फिर किसी और आर्टिस्ट के, तो प्लीज़ सजेस्ट करना। और अगर आप चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना तो साइड में दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो जाके फॉलो करो। अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके सो स्टार्ट। कुछ सीरियस होने वाला है। पहले तुझसे मांगी माफी, तेरा आधा प्यार भी मेरे लिए काफी। तूने ही तो दिए मुझे मेरी जिंदगी, छोड़ के मैं जा रहा कैसी बेइंसाफी। बचपन से तेरी बाहों में सुकून, चाहती थी कुछ और दिन घर में रुकूं। कैसे बदलूं मैं अपने कर्म, काश मुझसे बेहतर बेटा मिले अगले जन्म। और पापा आपको कितना मैं चाहता, काश गले लगा के कह ये पाता। सपने देखना आपने ही तो सिखाया, काश अपने सपनों को भी पूरा करके दिखाता। पर जाने क्यों मैं डूब गया खाई में, मैं कूद गया खुद से ही रूठ गया, सब पीछे छूट गया जो शीशा मेरी हंसी दिखाता। वही आज इन हाथों में टूट गया, और ये किसी की भी गलती नहीं, क्योंकि ये फैसला मैं खुद ही कर चुका। धड़कन मेरी चलती नहीं, क्योंकि अंदर से मैं कब का मर चुका। कल ही अपने दो दोस्तों के साथ बैठा, खुश था मैं दो पल पर, जैसे मैं घर आया मैंने खुद को ही पाया। अंधेरे में भूलने लगा मैं वो पल और फिर से फिसल। I know you wanna know why did I do it, मुझे भी नहीं पता, and I wish that I knew it। दुआ कर रहा that the pain stops, wanna stop falling down like the raindrops। जिसे बचपन से चाह दूर करा, अपने दिल से कई बार लड़ा, कोई भी नहीं यारा यहाँ अब मेरे लिए, फिर भी जाने क्यों इंतजार में हूँ खड़ा। भूल चुका what it felt like to be in love, एक इंसान ने देखे तो शराब, यार नहीं अभी मुझे किसी की नहीं, प्यार देना चाहते फिर भी झूठे लगे सब। माफ कर मैं थोड़ा शक, अच्छे दिन नहीं अच्छे पल मुझे याद है, हाँ मेरे साथ हैं स्कूल के वो दोस्त, एग्जाम के वो नोट्स, और बहन के भी हाथ के वो जले हुए टोस्ट। और भाई लड़ता रोज पर, प्यार करता मोस्ट, और लेटर्स भी आते थे मुझे बाय पोस्ट। और पहला वो किस, पहला वो रोज, पहली वो सिगरेट, पहला वो रोज। ये आखिरी खत है तू सोच, ये आखिरी खत है तू सोच, ये आखिरी खत है तू सोच, ये आखिरी खत है तू सोच। मुझको है होश तेरा ना दोष, जख्मों को नोच, आँखों को पोछ। ये आखिरी खत है तू सोच, ये आखिरी खत है तू सोच। गॉड, इस गाने ने हर किसी के लाइफ को कुछ मिनटों में एक्सप्रेस कर दिया। मतलब ये चीज़ें ऐसी है ना जो कि हर किसी के लाइफ में ऐसा पॉइंट आता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। कोई बंदा डिप्रेस्ड होता है, और कभी कोई किसी को फैमिली इश्यूज होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, तो ऐसे पॉइंट ना हर किसी के लाइफ में आते हैं। और कोई बंदे फेस कर लेते हैं, और कोई बंदे यार बहुत ज़्यादा ऐसा, ये टॉपिक और ये चीज़ बहुत लोगों को फील हुई होगी और रिलेट करे होंगे सब ने,
क्योंकि जिस भी तरीके से ये चीज़ें दिखाई बहुत मैं क्या बोलूँ, मैं बीच में जिस तरीके से वो गा रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं वाओ बोलूँ या क्या शॉक हूँ, क्योंकि वो गाने का जो स्टाइल था उनके जो और लिरिक्स थे वो जिस तरीके से गा रहे थे वो बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में, लेकिन जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वो चीज़ मुझे ऐसा मैं नहीं चाहूँगी कभी भी कोई ऐसी चीज़ें करे। इवन कोई भी नहीं चाहता है यार, हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और वो जब ऐसी चीज़ें करने पे मजबूर हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है यार, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा। और जिस तरीके से ये चीज़ें बताई कि जब हमारे माइंड में ऐसा चीज़ें आती हैं और हम एक पॉइंट पे करने लगते हैं तो हमारी माइंड में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, तो सेम इनके माइंड में भी ये सब चीज़ें चली और अब वो अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगे, अपनी माँ के बारे में बोलने लगे कि माँ मैं अच्छा बेटा बन नहीं सका, काश तुझे अगले जन्म में अच्छा बेटा मिले, और अपने फादर के बारे में बोला कि आप बहुत अच्छे हो, काश मैं ये चीज़ें बोल पाता आपको, और सिस्टर के बारे में, अपनी बहन के बारे में बात हुई, दोस्तों के बारे में, दोस्तों के साथ जो एक दिन पहले वक्त बिताया था। यानी हम कभी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम इतने अंदर से इतने दुखी होते हैं कि हमारे लाइफ में जब दुखी होते हैं तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छी चीज़ अगर दोस्तों के साथ होती है तो धीरे धीरे वो चीज़ भी हम भूल जाते हैं। ये ऐसी चीज़ है ना कि हम अच्छी चीज़ों को एकदम से भूल सकते हैं और इस चीज़ को हम बहुत ईजीली अपना सकते हैं। बट मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं बट एक अच्छी चीज़ें भी होती हैं, उन्हें याद करना चाहिए और इतनी ईजीली अच्छी चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए, और ये स्टेप कभी भी नहीं उठाना चाहिए। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, और यार सीरियसली ये ट्रैक बहुत ज़्यादा फील कर रही थी मैं, और ये कोई ऐसा वैसा ट्रैक नहीं था, ये बहुत ज़्यादा फील होने वाला ट्रैक था, और ऐसी चीज़ें बहुत लोगों के साथ हुई हैं, स्पेशली जिनके साथ हो चुकी हैं और जो लोग कर चुके हैं, जब उनकी फैमिली या उनके कुछ लव्ड वंस ये ट्रैक सुनेंगे तो उनको भी कितना बुरा लगेगा, कितना वो होगा, अंदर से बहुत गंदी फीलिंग आएगी, क्योंकि ये चीज़ें कोई नहीं चाहता कि कोई अपना ऐसी चीज़ें ऐसे कदम उठाए। सो ऐसा करने से पहले अपनी फैमिली वालों के लिए सोचो, चाहे कोई भी अप्स एंड डाउन्स हो आपकी लाइफ में, ऐसा चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ओके सो ये ट्रैक बहुत अच्छा था, जिस तरीके से वॉइड ने चीज़ें बताई और जिस फीलिंग के साथ, और जो वीडियो में दिखा रहे थे, पहले वो टेरेस पे हैं और फिर वो एकदम से स्विच होके वो रूम पे आए, वो खत लिख रहे हैं और अपनी फैमिली को याद कर रहे हैं, एक एक चीज़ें जो दिखा रहे थे, एक वो रेड लाइट टाइप जो शो कर रहे थे आखिरी खत पे जब लाइट आई, वो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बताई है, पर ये जो चीज़ थी ये अच्छी नहीं थी। ओके तो ये चीज़ें किसी को नहीं करनी है। सो या मुझे ये ट्रैक अच्छा लगा और यही था मेरा रिएक्शन इस गाने पर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और या मैं मिलती हूँ अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।